क्वेश्चन नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन टीएस ग्रेवर। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। तो जल्दी से शुरू करते हैं फुल स्पीड में। तो ट्रांजैक्शन हो गई कमेंस बिजनेस विद कैश। तो ट्रांजैक्शन में ये लिखेंगे जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं। तो एसेट कौन सा आया? एसेट आया कैश। कितना आया? 50,000। कौन लाया? ओनर लाया। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल 50,000 से बढ़ जाएगी। ओके, 50,000 में कैपिटल में 50,000 आ गए। पहले ट्रांजैक्शन में तो कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। 30,000 का सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, कैश गया। ओके श्रुत, जल्दी बताओ ट्रांजैक्शन कैसे दिखाएंगे? परचेज गुड्स, क्या क्या करूं जल्दी बोलो। 30,000 का सामान है सर, कैश में से 30,000 माइनस हो जाएंगे। हो गए। स्टॉक ऑफ गुड का नया कॉलम बनेगा। स्टॉक ऑफ गुड्स का नया कॉलम बिल्कुल बन गया सर, इसके 30,000 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नो सर। क्या कैपिटल को कोई लेना देना इससे? कोई प्रॉफिट, कोई लॉस? नो सर। गुड, अब मेरे पास कैश कितना बचा? 20,000। 20,000 ठीक है, गुड जा गए 30,000। लायबिलिटी मेरी जीरो है, कैपिटल मेरी 50,000। तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50,000। बिल्कुल ठीक। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कौन बताएगा? हमें बताएगा राघव। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, जल्दी बोलो। सर कैश से नहीं कटेगा, सॉरी मतलब सर कैश सर वही रहेगा। कैश में कोई लेना देना नहीं। जीरो, देन स्टॉक ऑफ गुड भी सर वही रहेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स तो आए हैं ना बेटा, सामान तो खरीदा है, तो स्टॉक ऑफ गुड बढ़ेगा। यस सर, तो प्लस 20,000। 20,000 से स्टॉक ऑफ गुड बढ़ जाएगा। ओके सर, प्लस 20,000 बिकॉज वो हमारी लायबिलिटी है, सॉरी क्रेडिटर्स। हाँ, लायबिलिटी में एक नया हेड क्रिएट होगा क्रेडिटर्स नाम से। कितने क्रेडिटर्स आ जाएंगे? 20,000। 30,000, 20 कितना है? सर 20। सर 20। ओके थैंक यू। 20,000, कोई प्रॉफिट लॉस? नो सर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। नो इस ट्रांजैक्शन के बाद कैश मेरा 20, स्टॉक ऑफ गुड्स मेरा 50, क्रेडिटर्स मेरे 20, कैपिटल मेरी 50। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ओके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। रिद्धिमा इसमें डाउट है बेटा आपको? यस सर, सर मैंने करा तो है लेकिन कुछ एंड में गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, अब आप बताओ इसका क्या करेंगे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सब प्रॉफिट हुआ। कैसे दिखाऊंगा मैं अकाउंटिंग इक्वेशन? 12,000 कैश में प्लस होंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया 12,000, बिल्कुल ठीक। गुड्स में? यस सर। सो उसके बाद 10,000 माइनस होंगे स्टॉक में से। हो गए। और सर कैपिटल में प्लस होंगे 2,000। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास कैश कितना है? 32। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है? 40। क्रेडिटर्स कितने हैं? 20। कैपिटल कितनी है? 72। ठीक है, फिफ्थ, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, कौन बताएगा? अब किसकी आवाज नहीं सुनी हमने? रोनित। यस सर। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर, अब ध्यान से देखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, फर्नीचर एसेट है? यस सर। ओके, तो रूल हम क्या सीखे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट नोट, इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट,
द लाइबिलिटी मस्ट बी शोन अंडर क्रेडिटर्स इफ एसेट्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट द लाइबिलिटी मस्ट बी शोन अंडर वेंडर फॉर एसेट्स. वेंडर मतलब सप्लायर होता है. वेंडर वर्ड इज यूज फॉर एसेट्स. क्रेडिटर्स वर्ड इज यूज फॉर गुड्स. कि अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं किसी इंसान या कंपनी से क्रेडिट पे तो वो क्रेडिटर्स की लिस्ट में आ जाएगा. अगर हम एसेट खरीद रहे हैं तो वो वेंडर्स की लिस्ट में आ जाएगा. बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. अदरवाइज वेंडर सप्लायर ये सब एक ही लोग होते हैं. क्रेडिटर्स क्लासिफिकेशन है. कोई डाउट? क्या बोला मैंने? समझ आया मैंने क्या बोला? यस यस सर. सर एक चीज पूछनी थी. अगर हम लोग दो दो अलग अलग एसेट्स बाय कर रहे हैं तो दोनों के अलग अलग वेंडर्स बनेंगे. हाँ दोनों अगर क्रेडिट पे हैं सर. तो वेंडर फॉर एसेट्स एक ही रहता है. जैसे क्रेडिटर्स एक ही रहेगा. आपकी मर्जी है. जो रियल अकाउंटिंग होती है तो उसमें तो इंसान के नाम से अकाउंट क्रिएट होता है. कि अगर राम से आपने खरीदा क्रेडिट पे तो राम का अकाउंट सेपरेट आ रहा होगा. श्याम से खरीदा तो श्याम का अकाउंट सेपरेट आ रहा होगा. तो जब आप जर्नल बनाएंगे तो हर एक पार्टी का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है. बट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्रेडिटर्स का सिंगल हेड ही बनता है. वेंडर्स का सिंगल हेड ही बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन में. जब आप जर्नल बनाएंगे तो हर एक पार्टी का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है. तो अगर आपने दो लोगों से एसेट खरीदा ना क्रेडिट पे तो उसमें इंसान का नाम आता है. राम श्याम एलेक्स जेसन एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड. क्लियर? यस सर. अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ही हेड है क्रेडिटर्स का. जितने मर्जी क्रेडिट पे सामान खरीद लो सब क्रेडिटर्स में आएंगे. एक ही हेड रहेगा सब हेड वेंडर्स का. जितने मर्जी आप एसेट्स खरीद लो सब उसी में दिखाएंगे. ओके. ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे आएंगे वापस. ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे हमने फर्नीचर लिया था क्रेडिट पे 2000. कौन बता रहा था हमें? रौनित बता रहा था. यस सर. बोलो बेटा. सर एसेट्स में नया कॉलम बनाएंगे, फर्नीचर उसमें 2000 प्लस सर. वेरी गुड. कैश से कोई लेना देना नहीं है. एक नया एसेट आ जाएगा. एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर. कितने रुपए का? 2000. कितना था? 2000. 2000. ठीक है. और सर लाइबिलिटीज में भी 2000 प्लस हो जाएगा. एक नया हेड क्रिएट होगा. किस नाम से? थैंक वेंडर यू सर. फॉर एसेट्स. ठीक है. कितने का? 2000. कोई डाउट? कोई प्रॉफिट नहीं लॉस नहीं तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है. न्यू इक्वेशन. अब मेरे पास कैश कितना है? 32. स्टॉक ऑफ गुड्स 40. फर्नीचर 2000. क्रेडिटर्स 20,000. 2000. 52,000. कोई भी डाउट? शायद ये जीरो लिखना इंपॉर्टेंट होता है. नहीं. नेक्स्ट डैश मार सकते हैं आप. अगर ऊपर कोई चीज है और नीचे उसकी ट्रांजैक्शन नहीं आ रही तो बस आप डैश मार सकते हैं. पेड कैश टू क्रेडिटर. तो जो क्रेडिटर्स थे आपके, आपने गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, ठीक है. तो क्रेडिटर्स थे आपके, आपने उनमें से कुछ क्रेडिटर्स को अभी पेमेंट कर दी. 15,000 की पेमेंट हुई है तो पैसे गए. कौन ट्राई करेगा? मैं करूं बोलो. सर? कैश के हेड के नीचे -15,000 हो जाएगा. ओके. -15,000. और बिल्कुल सर ठीक. लाइबिलिटी की साइड में क्रेडिटर्स की हेड में भी माइनस हो जाएगा 15,000. हमने पेमेंट करिया तो हमारे क्रेडिटर्स 15,000 से कम हो जाएंगे. कोई प्रॉफिट या लॉस?
नो कैश क्रेडिट ऐसा लिखा है डिस्काउंट मिला है नो ऐसा कुछ नहीं लिखा ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास कैश कितना बचा 17,000 स्टॉक कितना है 40,000 फर्नीचर कितना है 2,000 क्रेडिटर्स कितने बचे हुए हैं 5,000 वेंडर कितने हैं 2,000 कैपिटल कितनी है 52 वेरीफाई करेंगे 57, 59 ठीक सेवेंथ सैलरीज पेड रेंट पेड सैलरीज पेड ये सब क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसेस सैलरीज पेड कितनी सैलरी पे करी 1,000 पहली बात तो पेमेंट हुई है तो कैश तो गया 1,000 यस और नो यस सर क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ है नो सर इट इज एन एक्सपेंस एक्सपेंस कौन बेयर करेगा द ओनर तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1,000 जो माइनस कर रहे हैं ब्रैकेट में दिखाना बेटर रहता है फाइनल इक्वेशन कैश कितना पड़ा है आपके पास 16,000 स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है 40,000 फर्नीचर कितना है 2,000 क्रेडिटर्स 5,000 वेंडर 2,000 कैपिटल 51,000 वेरीफाई करेंगे 58,000 इज इक्वल टू 58,000 7,000 प्लस 51,000 कोई भी डाउट सर बोलो सर ये ब्रैकेट में डालना जरूरी है अगर हम माइनस लिख दें कोई प्रॉब्लम है बेटर प्रेजेंटेशन रहती है ऐसे ब्रैकेट्स में दिखाना बेटर प्रेजेंटेशन है कुछ स्कूल्स वाले कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा ही चाहिए कुछ स्कूल्स वाले कहते हैं जैसे आपकी इच्छा बेटर प्रेजेंटेशन होगी कि जो भी चीज डिडक्ट हो रही है वो आप ब्रैकेट्स में दिखाएं तो वो बेटर प्रेजेंटेशन होती है ओके सर क्वेश्चन के बाद न्यू इक्वेशन दिखाना जरूरी है फॉर्मेट में बनती है फॉर्मेट में बिल्कुल बनती है ठीक है ना लेकिन कुछ स्कूल में ऑप्शन देते हैं कि बेटा आप लास्ट में बना देना उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि अगर गलती हुई ना तो एंड में जाके ही पता चलती है कि गलती हुई कि नहीं हुई वरना क्या होता है कि आप टोटल कर रहे हो तो वेरीफाई करते रहते हो कि कोई एरर तो नहीं है बट न्यू इक्वेशन हर एक के बाद फॉर्मेट में बनती है इलेवेंथ में कोई कॉमन एग्जाम नहीं है ना बोर्ड्स नहीं है कि सेंट्रलाइज चेकिंग होगी न्यूट्रल चेकिंग होगी स्कूल वाले अपने हिसाब से कन्वीनियंट ऑप्शंस दे सकते हैं मेरे आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट क्या है उसमें शॉर्टकट्स क्या चलो चलने दो कोई बात नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो वो आपके टीचर्स आपको ऑप्शंस देंगे तो बेटर ये रहेगा कि हम पूरा फॉर्मेट सीखें फिर क्या क्या इसमें से काट सकते हैं वो तब काटें जब हमें परमिशन मिल गई हो ओके तब तक पूरा डिटेल फॉर्मेट बनाएंगे क्लियर क्लियर यस सर ओके